घात में लाती मारा गया है, तो मानो मुकद्दर खुदा से जुदा है। अकाल में काल कायम किया है, तो मानो के डाली पे बंदरी कुदा है। अलीगा दिया हुस्न मानो की काया, तो पाया नहीं पारी आया कहां से। आघात मेला तिमारा गया है, तो मानो मुकद्दरी जुदा कायम किया है। ये काल किसी को नहीं छोड़ा भैया, भक्त हो या भगवान, कबो भगवानों का माथा फिर जाला। ता आई विरह के अंदर बड़ी सुंदर गजल के लाइन देलन कवि जी, ए मुसाफिर ए मुसाफिर भटकते हो क्यों दर बदर, प्रमोद कुमार चौरसिया। अच्छा, हमारे चौरसिया गुरुजी के पुत्र शुभम चौरसिया, क्या बात है, एक से एक पैदे के सम्मान किया गया भैया, प्रणाम बाव आशीर्वाद की आकांक्षा बा दी मास्टर। अए मुसाफिर भटकते हो क्यों दर बदर, तेरे आलम के रहे बरी मदीने में है, अए मुसाफिर भटकते हो क्यों दर बदर, कि तेरे आलम के रहे बरे मदीने में है। लेकिन बाबू ये तो गजल के लाइन रहल, लेकिन भाव बा कवि की कलम इशारा कैले का बाबू। चांद चाहे चमने को चला दे मगर, गीता मन के अंदर न आए कभी, चांद चाहे चमन को जला दे मगर, दागी दामन के अंदर न आए कभी। लेकिन एक लाइन और दलन कवि जी, का दलन, आशमा के खुदा घर को चाहे भला, तो खींचे अंबर के रज से मिला दे सभी, आ
के खुदा गरी को चाहे भला तो खींच अंबर को रज से मिला दे सभी। ए भैया आई बिरहा के अंदर नजम के लाइन बा, कहानी यही से शुरुआत बा बाबू। पिता के बात पे भगवान को भारी मान हुआ, पिता के बात पे भगवान को भारी मान हुआ, बात के पीछे राजा दशरथ अनुष्ठान हुआ। खबर को पाके भरत माता पे खुमसाए हैं, खबर को पाके भरत माता पे खुमसाए हैं, खोजते राम को गए चित्रकूट पाए हैं। कहे भगवान से जो इसके आगे जाओगे, कहे भगवान से जो इसके आगे जाओगे, बात को मानो भैया भारी धोखा खाओगे। कहा के मान भगवान अवधपुर में आए हैं, कहा के मान भगवान अवधपुर में आए हैं, इधर कानन में तीनों रात दिन बिताए हैं। को साथ में जुटाई और आप बड़े भैया सतीश कुमार चौरसिया जी की ओर से पुनः एक से एक रुपए का पुरस्कार आशीर्वाद की आकांक्षा है बाबू। ए भैया कहानी उस समय की बा जौने समय मर्यादा प्रस्तम श्री रामचंद्र जी के 14 साल के वनवास भई रहल। 14 साल के वनवास में प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्रकूट जंगल में जा करके एक छोटी सी कुटिया बना करके माँ सीता भाई लक्ष्मण को लेकर रहने लगे बाबू। धीरे धीरे समय बीतत बा उसी जंगल में एक दिन घूमते घूमते रावण की बहन शपुन खा पहुंचती है। जब शपुन खा पहुंचती है तो उसका नजर लक्ष्मण के ऊपर पड़ गया। जब लक्ष्मण के ऊपर पड़ल भैया तो सोचने लगी कि ये कितना सुंदर है, इस जंगल में क्या कर रहा है। तब ले नजर घूमौले तब प्रभु श्री रामचंद्र जी के भी देख गईली। जब उन्होंने के ऊपर नजर पड़ल तो सोचे लगी कि नन दोनों कितना नीमन वाले, आखिर न जंगलवा में का करत हुआ। तब ले कुटियावा से माई सीता निकलली, तब माई सीता कुटिया के बाहर एलिन भैया। आप बड़े बाबू शिव शंकर चौरसिया जी आपके तरफ से पूरा एक से एक रुपए का पुरस्कार सोने में कोट कोट नमन बा वंदन अभिनंदन बा बाबू। रामचंद्र चौरसिया बाबूजी के ओर से पूरा एक से एक रुपए का पुरस्कार सोने में कोट को नमन बा आशीर्वाद की आकांक्षा है। बिरहा सुनने वाले मित्रों कहानी पे गौर करें। जौने समय सीता माँ उस कुटिया से बाहर आई तो नजर पड़ गया शपुन खा का। सोचने लगी कि अगर मैं इस औरत को मार दूंगी तो दो में से कोई मुझसे शादी कर लेगा। जब भैया वो सीता माँ को मारने चली, इधर प्रभु श्री रामचंद्र का इशारा पा करके उनकर भाई लक्ष्मण शपुन खा का नाक काट दिए। जब नाक कटल बाबू तो रोते रोते शपुन का आती है
लंका में अपने भाई रावण के पास आकर आवाज दिया कि भैया अरे भैया आज जंगल में दो मुसाफिर आए हैं, उन्होंने मार करके मेरा नाक काट दिया। भैया का है सनसना तो, उन्होंने मार कर मेरा नाक काट दिया। इतना बात जब रावण सुनता है बाबू तो क्रोध से आग बबूला हो गया, आग बबूला हो गया। बिहाने भैया पहुंचल वही जंगल के बीच, जो उन्हें समय प्रभु श्री रामचंद्र जी कुटिया पे ना रहलन, जा करके उसी समय माँ सीता का हरण करता है। तब हरण करके लंका लिया उलेश भैया, रावण का पत्नी मंदोदरी रावण से एक बात कहले से, लेकिन यही एक लाइन गीत लागल मास्टर। गीत बड़ी पुरान बाबू, जैसे कि बतावल जाला अबे सुनबाई कैला कि नया नौ दिन और पुराना सब दिन, ताई बड़ी पुरानी गीत बा मास्टर तनी बजा के दा। अरे सड़किया सरकारी अहिरे मुरबलमुआ, कि अहिरे मुरबलमुआ कि अहिरे मुरबलमुआ कि अहिरे मुरबलमुआ, सड़किया सरकारी अहिरे मुरबलमुआ, गीत के लाइन रहल। लेकिन इधर रावण की पत्नी मंदोदरी रावण से कहती है, भाव के लाइन में दे दो मास्टर। अरे विपत्तिया लाए, अरे विपत्तिया लाए भारी आहिरे मुरबलमुआ, कर कहती है कि स्वामी ऐ स्वामी ई तू का कैला, ई त अपने कपार क विपत लियाए दिहा, ई माई सीता के तोहके लियावे के ना चाहत रहल, लियौला त ठीक कैला लेकिन ले जाई के सीता माई को वापस करा, कैसे कहत हो बाबू आई। अरे ले जाई जननवा राम के समनवा, रावणवा फटकारी आये मुरबलमुआ, संतोष हलवाई बड़े भैया के ओर से पुनः 51 रुपए का पुरस्कार आशीर्वाद की आकांक्षा है। क्या करके मंदोदरी रावण से कहने लगी कि स्वामी ले जाओ सीता माँ को प्रभु श्री रामचंद्र जी के वापस कदा। लेकिन रावण कहता है अरे मंदोदरी तुम तो मेरी पत्नी हो, तुम तो ऐसा मत बोलो। समझाती है मंदोदरी कि ना स्वामी ये गलत करत बाड़ा, ले जा माई सीता के वापस के दा। लेकिन रावण एक बात कहले, का कहले अरे भानु असमनवा, कहे कि भानु और आसमान एक कह दे लेकिन सीता के वापस ना करब, चाहे वो करे बदे हमके कुछ करे के पड़ जाए। माँ सीता को वापस नहीं करता है। इधर भैया जौने वक्त प्रभु श्री रामचंद्र जी कुटिया पे आए, देखत हैं कि सीता माना कहे सनसना का बड़ भाई, तो हर बाजा बड़ा नीमन बा भैया आए बाबू। देखते हैं कि माँ सीता जब कुटिया पे नहीं मिली, पूरी जंगल में खोजने लगे। जब जंगल में खोजने लगे भैया, और देखिए
ये गुप्त दान आइल बाबू हमारे बड़े भैया की ओर से पुनः एक से एक पे का पुरस्कार चरणों में वंदन है अभिनंदन है। ए भैया जब जंगल में खोजले सीता माँ का पता नहीं चला, खोजते खोजते पता हुआ कि रावण माँ सीता को हर ले गया। उसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी सेना सजा करके लंका नगरी में चढ़ाई कैले। जब लंका नगरी में चढ़ाई कैले रावण से युद्ध भइल, रावण से युद्ध भइल, रावण के मार के जब लंका से वापस आवे के कैले तब रावण मारा गा वहां के राजा भभीषण को बना दिए। भभीषण के बने ले ओकरे बाद जब लंका से वापसी अयोध्या के लिए चलत हैं बाबू तो एक लाइन गीत लागल बड़ी सुघर गीत बा। यही गीत के जैसे बतावल जाला कि बनारस चल जाइबा तो बनारस यहाँ गवैया हो या तो फिर कवीगढ़ बड़ा लहाई के लिखल है ना, और हमारे गवैया साथी लोग बड़ा प्यार से गावेले। कैसे गावेले बाबू? अरे केतनो तू गंगा नहीबू, अरे केतनो तू गंगा नहीबू पातर तिरिया ना और एक से एक रुपए देके सम्मान किया गया लक्की सिंह पुरवा के धरती से। कोटी कोटी नमन बा वंदन है बाबू। कहे कि केतनो तू गंगा नहिबा पातर तिरिया ना पैवा राजा, लेकिन भैया यही गीत के हमरे मिर्जापुर के लोग गावले। का गावले बाबू? अरे गेहुआ के बाल लईगा सुगना, अरे गेहुआ के बाल लईगा सुगना बलम मोर पूरी के तरस, गीत के लाइन रहल बाबू। लेकिन भावा जोने बखत लंका नगरी सिमरियादा प्रस्तम श्री रामचंद्र जी भभीषण से विदाई लेके चलत हैं, ओ समय भभीषण एक बात कहले से। का कहले से बाबू? कि हमरो खबर ली है जया, अरे हमरो खबर ली है जाया हमारा नाथ घर ना भूलाया, मान सिंह पैलेस आपके तरफ से पुनः एक से एक रुपए का पुरस्कार चरणों में कोट को नमन बा आशीर्वाद की आकांक्षा है बाबू। और बड़े भैया सूरज चौरसिया जी की ओर से पुनः 51 रुपए का पुरस्कार आशीर्वाद की आकांक्षा है। ए भैया भभीषण हाथ जोड़ के कहता है कि प्रभु जात तबाह लेकिन हमार खबर लिहे जाया हमके मत भूलाया, लेकिन कहत कैसे बा? अरे तोहर चरणवा में सिरावा में डारी, अरे हनुमत के कबाहू पठाया, अरे हनुमत के कबहू पठाया हम
प्रभु जात बाड़ा लेकिन एहू भक्त का हाल चाल जरूरी है। के कहलन कि सबके पारी पर का भेज है। कैसे कहलन मास्टर? अरे हनुमत सिया अंगद के लेके, अरे आपौ का भी चाल आया, अरे आपौ का भी चाल आया, हमार नाथ घर ना भुलाया। कहन कि कबो लक्ष्मण के भेज दिया, कबो हनुमान के, कबो सिया माता के, कबो अंगद के, पारी पर का सब के भेज के हमरो खबर ले जाया प्रभु, और कभी कभा आपो चला आया। ऐ बाबू ले करके विदाई, जोने वक्त प्रभु श्री रामचंद्र जी चलन तब पहुंचत कहाँ है? सरजू नदी किनारे। जब सरजू नदी किनारे पहुंचलन तो वहाँ कुछ अलग देखे के मिलल। भैल का बाबू एक लाइन गीत लागल, बड़ी सुहर गीत बा बाबू। अरे ओठावा पे लालिया, कानावा में बलिया, आखिया पे का जरावा, जान मारे लाला की चू नरिया रानिया, बजा ले लकाला रे बदरावा, अरे पंचो इत गीत के लाइन है। लेकिन भाव का बा मास्टर, जोने जो नदी किनारे पहुंचलेन तो वहां कुछ इंतजार प्रभु श्री रामचंद्र जी के, कुछ इंतजार हिजड़ा लोग करत रहे, जेकर ना तो नर में गिनती होला ना ही नारी में। उनके हमरे मिर्जापुर के लोग होइगे ना कहीं के 6 नंबर कहले, इंतजार करत रहन भैया। जब देखलन कि प्रभु आवत बाड़ेन तब उन्हन कहलन का आई, अरे धाई के पयारिया कहे पारा परिया, भूल गईले हमन के खबरिया, मरदा जननावा के भेजले भवनावा, कैले न हमन के पी सहरिया, क्या बात है? अरे बाबू जोने वखा सरजू नदी किनारे हिजड़ा लोग का नजर पड़ल कि प्रभु श्री राम जनजी आवत हैं, जा करके पैर पकड़ लिए। जब पैर पकड़ ले तब प्रभु श्री राम जनजी आवाज देने कि कस भैया तू लोग अभी गईला ना? तब हिजड़ा लोग जवाब लेन कि प्रभु मर्दा के भेजा जनाना के भेजा, ना हम मर्दे बाही ना जनाना, तब हम लोग कहाँ जाइए? आपका इंतजार करत थी। कैसे बाबू?
14 साल बीत गईल नदिया की नरवा अखिया सुखाई गईले जो हाथ डगरवा कहे रघुराई भूल होएगा भाई माफ कर हमारी नादानिया राजा आई काला जुग मा झरिया ए भैया आव चल आव धन कहारिया बाबू जो ने बखत हिजड़ा लोगन का बात प्रभु श्री रामचंद्र जी सुनन की प्रभु 14 साल से आपका इंतजार करत थी आंख सुखा गईल कि इतना बात सुनलन त हाथ जोड़ के करन भैया हमसे बहुत बड़ गलती हो गईल अब हमरे संगे चला हमरे अयोध्या जब इतना बात हिजड़ा लोग सुनन त कहन प्रभु बस आपका दर्शन हो गईल समझा कि हम लोग धन्य हो गईली अब आप जाई प्रभु हम लोगन की यही जी रहे दी अरे भैया प्रभु श्री रामचंद्र जी जब हिजड़ा लोगन सभी विदा ले करके अयोध्या नगरी में अइलन धीरे धीरे समय बीतल एक दिन का बात रहल अपने भाई लक्ष्मण के बुला करके प्रभु श्री रामचंद्र जी आदेश कैलन की भाई लक्ष्मण बहुत दिन हो गईल लंका का खबर ना मिलल कि लंका में राज्यपाट सही चलता कि ना जाओ भाई लक्ष्मण जा करके लंका का खबर ले आओ भैया जब बड़ भाई का आदेश मान करके छोट भाई लक्ष्मण लंका नगरी की ओर चढ़ थे बाबू लेकिन छंद कलाइन बा अरे बाबू बड़ा भाई का आदेश मान करके लंका नगरी चलत हैं कैसे बाबू कहा भगवान का मान खासा लेके धनसाबान कहे लंका दारी मान घूमे बगिया ना चोला छाए अनुराग छोड़े नहीं चाहे बात जिधर ताके मन लाग झूमे डालिया राम जी विंद आप चंदौती के धरती से पुनः 51 रुपए का पुरस्कार भैया के चरणों में कोट कनवन व आशीर्वाद की कामना लगी रहे चोला छाए अनुराग छोड़े नहीं चाहे बात जिधर ताके मन लाग झूमे डलिया ना टूटे न चमन का प्यार ठीका दशरथ कुमार डोले बगिया मझा दूढ़े कलिया ना तोड़े डाली में कफूल थोड़ा लखन कैले भूल पिहले दिनवा बिताई भाई मलिया ना बोला बाबू जोड़े बखत लक्ष्मण लंका नगरी पहुंचल भैया
जा करके पूरा लंका नगरी में लगे घूमे। जब घूमे लगे तो घूमत घूमत अशोक वाटिका में पहुंच गए। जब अशोक वाटिका में पहुंचल तो देखा थे कि बड़ी सुघर सुघर फूल फूलल बा, बड़ी सुंदर सुंदर फूल फुलावा भैया। तो जा करके बगिया में से एक के फूलवा तोड़ लिए। जब फूल तोड़ले लेकिन उनके ई ना पता रहल कि ई पूरा बाग का रखवाली करत के रहा भविष्ण का बिटिया बिंदुमती। उ बागी के रखवाली करत रहल। जब उ देखे कि लक्ष्मण एक के फूल तोड़ लिए आती है आवाज करके, ए मुसाफिर तोहार इतनी औकात कि केहू से पूछा न मत्या, यहाँ का एक है तू फूल तोड़ लिया। चला तू फूल तोड़ला तो ठीक बा, लेकिन तीन ठे हमार शर्त बा, अगर एक तू पूरा कह देबा तब तो तू यहाँ से जइबा, अगर ना करबा तो तू यहाँ से शर्त रहल। पहला शर्त रहल कि जवन तू फूल तोड़े हया ये फूल के वही डारी में लगा दा। दूसरा शर्त रहल कि अगर नहीं लगावा था तो हमसे विवाह करा। एहू के इनकार हो गई। जब दूठ इनकार कैल तीसरा शर्त बोलल कि तब हमसे युद्ध करा। युद्ध का बात लक्ष्मण के कान तर पहुंचल भैया, आग बबूला हो गए, क्रोध में लाल पियर होने लगे। जब लाल पियर भइले तो वही अशोक वाटिका के बीच लड़ाई छिड़ गई। लेकिन होत कैसे भैया पहपट के लाइन बा। ए भैया इधर जब पहुंचले तब भइल का तेरी के लाइन बा। अरे अवधि के काली चंदा पर लगी, अरे अवधि के काली चंदा पर लगी हो, अवधि के काली चंदा पे लगी ताए रामनगरी अनुराग बढ़ाया। अवध के काली चंदा पे लगी आए रामनगरी अनुराग बढ़ाया फंदा। अवध के काली चंदा पे लगी बातचीत होता बा भैया। राम जी चौरसिया बाबू संतोषी माता के मंदिर के भक्त आप जी के तरफ से पुनः एक से एक रुपए का पुरस्कार आशीर्वाद की कामना है बाबू। ए भैया जोने वक्त बिंदुमती आवाज दिलस कि हमसे युद्ध करना है तो हमसे विवाह करा, तो यह लक्ष्मण और बिंदुमती के बीच लड़ाई छिड़ी गई। आई पहपट के लाइन से देती हूँ। अरे क्रोध बढ़ाए लखन लाल ललकारी नारी बगिया में, अरे क्रोध बढ़ाए लखन लाल ललकारी नारी बगिया में, तक करे चाप के दोनों मारा मारी नारी बगिया में। क्या बात है अरे बहादुर। अरे चुमुस न खाए लखन लाल से भाभी सड़की वाला हो, अरे बोल दिया बौछार नार लक्ष्मण से सहल न जाला हो, अरे यही माथे बन के आए रणधारी नारी बगिया में, अरे भाग जाओ नहीं गर्दन ले बहुतारी नारी बगिया। क्या बात है शेर हुआ वाह। अरे चला न चारा लखन लाल का रहले गौर बढ़ाई हो, काट के नारी लखन लाल का
सर्दी हली अलगाई हो, अरे भेज दी धर कई के तुरत सवारी नारी बगिया में, अरे भाग जाओ नहीं गर्दन ले बहुतारी नारी बगिया। भैया जोने वक्त लक्ष्मण और बिंदुमती के बीच लड़ाई भइल, ललकार करके बिंदुमती लक्ष्मण का गर्दन अलगा देली। सूरज चौरसिया भैया गौर से पुनः 22 रुपए का पुरस्कार और सम्मानित पूजनीय आप बड़े भैया सुनील चौरसिया जी की ओर से 51 रुपए का पुरस्कार दोनों भैयन के नमन बा आशीर्वाद की आकांक्षा है। ए भैया जो न वक्त ललकार करके बिंदुमती लक्ष्मण का गर्दन अलगा दे ले से, वही गर्दन एक सुंदर पालकी सजा करके डोली सजा करके उसी डोली के बीच रख करके बाबू प्रभु श्री रामचंद्र जी के अयोध्या भेज दे ले से। देखत हुए अयोध्या में बैठल श्री राम की तो पालकी बड़ी सुघर आवता, पालकी बड़ी सुघर आवता। जब वो पालकी उतरल भैया जा करके पालकी का पर्दा उठेलन अबाग हो गए, ये तो मेरे भाई लक्ष्मण का सर ऐसन कमन वीर पैदा भइल बा लंका नगरी में। उस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी सोच में पड़ गए, आधा के लाइन से देती हूँ बाबू। अरे पापी आसमनवा कहवा रहले धरतिया बाबू, कहवा पे रहले हम बरके सोचने लगे बाबू कि पापी आसमान ये धरती कहाँ रहें, कहाँ रहें अंबर का चांद। सोच में बैठल बाड़िन कहे का, अरे कावनो खबरिया नाही लाए लंकावा से पंचो, बाबू सोचे लगे कि कौनो खबर नहीं दिया ना धरती ना आसमान ना अंबर ना तारा, इन्हीं लोगन का देन बा कि आज हमरे भाई के गर्दन कट गई। सोचत बहन का सोचावा बढ़वले रामा आवधा नगरिया बाबू, अरे भैया प्रभु श्री राम जी सोचे में बैठल बाने, चेहरा मायूस हो गईल, तब ले घूमत घूमन हनुमान जी आ गए। जब आए देखत कि प्रभु श्री रामचंद्र जी बड़ा उदास बैठल बाने, जाके पूछे लगे कि प्रभु ए प्रभु का बात बा, काहे इतना उदास बड़ा। जब इतना बात प्रभु श्री रामचंद्र जी सोचे तो आदेश कर लेन कि पुत्र हनुमान जाकर उस पालकी का पर्दा उठा कर देखो। छोने वक्त हनुमान जी पहुंचलेन, पर्दा हटौले तो क्रोध में हो गए, क्रोध में हो गए, जाकर के कहने लगे प्रभु ये कैसे भइल।
तब बतौलन कि लक्ष्मण गए रहन लंका में रावण के भाई भविष्ण क खबर लेवे। ई भविष्ण कही देनबा, जब इतना बात सुनन हनुमान जी त कहलन प्रभु आदेश करा तो पूरा लंका तहस नहस कर दी। आदेश देलन का देलन भैया आई सदर के लाइन अरे जावने बीरानावा के खातिर लंकावा में लेके आवा धौला जी का गनावा में तार संतोष हलवाई भैया की ओर से ये दोबारा अपना पुरस्कार चरणों में कोट कोण मनवा भगवान करे आपके तरक्की में चांद चांद लगे। आपके हाथ में इतना मिठास रहे कि जे खाए हुआ आपका गुण गावे। आई मास्टर अरे चावा ने पीरा नावा के खातिर लंकावा में लेके आवा धौला जी का गनावा में वाने पीरा नावा के कटन कर दनावा अरे भेजा कवन पापी जन्मा हमारे समा अरे पाई के अडरिया कापी गईले लंकावा में बगिया में पहुंचे जहां भैले पूरा बात बोला आ बड़े भैया मानिक चंद बीडीसी भैया की ओर से पुनः 51 रुपए का पुरस्कार आशीर्वाद की आकांक्षा है। ए भैया जोने वक्त हनुमान जी लंका नगरी में पहुंचलन बाबू वही पहुंचलन जहां लक्ष्मण का पूरा शरीर पड़ा रहा। अशोक वाटिका में पहुंचलन इधर तो लक्ष्मण खाली एक कई फूल तोड़ रहे हैं भैया और हनुमान जी पूरा अशोक वाटिका ही उजाड़ के फेंक दिए। जब अशोक वाटिका पूरा बाग उजाड़ के फेंकलन बाबू तब ले बिंदुमती आकर के ललकार के बाबू हनुमान जी के गर्दन अलगा देले से। जो हनुमान जी के गर्दन अलगौले से पंचो वही तरह सुघर का पालकी सजा करके फिर वही गर्दन अयोध्या श्री रामचंद्र जी के सामने भेजले से। दूसरा पालकी देख लेन त और सोच में पड़ गए कि अब कवन बबाल आई। वह पालकी जब सामने उतरल जाके पर्दा उठौलिन बाबू अवाक हो गए कि पहले मेरे भाई लक्ष्मण का गर्दन उसके बाद मेरे सेवक मेरे पुत्र हनुमान का गर्दन ऐसन कवन वीर पैदा भइल लंका में सोचन कि अब लागत हमके चले के पड़ी। त आखिरी लाइन लगल बाबू बिरहा में अरे महावीर के सर के पाके सोचे राघुराय अरे पैदा भइल जोधा कावन लंकावा में जाई हो जाके जा राम चंद खुमसाई अरे चुका लिया भाई के बदला तुझे शर्म ना आई अरे यही पद रहला हमके लंका में भूला
पैदा भइले जोधा कावन लंकावा में जाई हो। अरे बाबू जोने वखत लंका नगरी पहुंचलेन जा करके भविष्ण को आवाज लेन, क्या है भविष्ण तू तो बहुत बड़ा गद्दार निकला, आखिर चुका लिया भाई का बदला, तुझे शर्म नहीं लगा? इधर भविष्ण और प्रभु श्री रामचंद्र जी के बीच बात होत बा, लेकिन होत कैसे बाबा बुआ? अरे भैया सोर लंका के बीच बाला ने खबर को पाई, भाई सामने रामचंद्र के बोल पड़ी खुमसाई, अरे किधरन के लेके करने आ गई ला लड़ाई। अरे पैदा भइले जोधा कावन लंकावा में जाई हो। ओहो बाबू, एहर बात भविष्ण और श्री रामचंद्र जी के बीच होत बा, ई खबर बिंदुमती के पता हो गई, आके आवाज दिलेन, क्या राम उनसे का पूछत है, हमसे पूछा हमसे, हम मारे रहे तोहरे भाई लक्ष्मण के और तोहरे सेवक हनुमान के, जब इतना बात प्रभु श्री रामचंद्र जी सुने तो एकदम प्यार से पूछत है कि बिटिया, ए बिटिया आखिर काहे मरलू, का गलती कैलेन? बिंदुमती बताती है कि गलती तोहार भाई लक्ष्मण अइलेन त केहू से पूछन ना मतेन, हमरे बागी का फूल तोड़ लिहेन, उनसे बस हम इतना प्यार से कहली या तो फूल तू लगाई दा या तो हमसे ब्याह करा, ना है तो फिर हमसे युद्ध करा। इतना बात सुनन तो लगे ना लाल पियर होई, एही से उनकर गर्दन काट के आपके लगे भेज दिया। तो फिर पूछलन कि हनुमान का कहलन, कहन हनुमान एन आयन बंदर का भेस लेके तो केहू से पूछन ना मतन, पूरी बाग उजाड़ के फेंक दिए, यही से एनहू का गर्दन काट के आपके लगे भेज दिया। इतना बात सुन के प्रभु श्री रामचंद्र जी जा करके अपने भाई लक्ष्मण और पुत्र हनुमान का गर्दन उनके लगन के सर में धर में एकदम दोनों जने के सटाए देलेन, जब शरीर में सटौलेन सटाई के बाबू जिंदा कैलेन और जिंदा कई के लियाई के अयोध्या वापस आ गए। आई यही कहानी समाप्त हुई, आगे गुरु घराने के परिचय बाबू, ये बिटिया कौने बगिया के फूल हा। अरे गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु बुधेश्वर गिधार, अरे कथन किए कवि उदय राज, अरे विजयी पाव पखा, अरे अवध के काली चंदा पे लगी, अरे मोरे राम अवध के काली चंदा पे लगी, ती राज गावेली सभा में ये झंडा, अवध के काली